मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही थी, जो मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं, हम एक ग्राफिक भी बताते हैं फिर मैं वापस आपके पास आऊंगी। आप हमें ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री या हमारे साथ सुदेश जी बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया भारत में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर ये मंडियां पैरेलल मंडियां प्राइवेट मंडियां हैं, तो वहां का किसान को अगर नुकसान नहीं हुआ तो यहाँ किसान को नुकसान क्यों होगा जो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये मैं आपसे समझूंगी सर, समझाइएगा बताइएगा क्यों किसान के मन में इसको लेकर डर है जब बाकी जगहों पर सही हालात हैं। लेकिन पहले ये ग्राफिक्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। तो देखिए क्या है, दरअसल प्रधानमंत्री ने संवाद किया और आइए दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद कर किसानों से सीधे बात की, अपनी बात रखी और तमाम सवालों के जवाब भी दिए। सरकार क्या चाहती है? सिर्फ किसानों का भला चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा। सरकार का ये कहना था पीएम का जो किसान संवाद था उसमें, कि सरकार क्या चाहती है, सिर्फ किसानों का भला चाहती है सरकार, ये कहा प्रधानमंत्री ने। किसानों से बार बार बात करना चाहती है, यानी आगे भी और बात करना चाहते हैं। किसानों की हर शंका दूर करना चाहती है सरकार, जो कुछ कहा प्रधानमंत्री ने उसका लबोलुबाब क्या है, उसका सार क्या है वो बता रहे हैं। आंदोलन में राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे हैं, ये आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने भी, उनके तमाम बड़े मंत्रियों ने भी जिन्होंने आज आकर बात की। हिंसा के आरोपियों को छुड़ाने की बातें होने लगी हैं, इस बात का मुद्दा भी, इस मुद्दे को भी उठाया प्रधानमंत्री ने। जो पहले से चला आ रहा है उसका भी विरोध होने लगा है, यानी जो पहले से चला आ रहा था उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या अब सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है? सीमित मांगों से शुरू हुए आंदोलन में तमाम दूसरी मांगें जुड़ गई हैं, यानी इन मांगों को और बढ़ाते चले गए हैं जैसे जैसे आंदोलन ने बड़ा रूप लिया है। देश के ज्यादातर किसान नए कानून के साथ हैं, ये भी कहा प्रधानमंत्री ने। और यह है बड़ा सवाल कि क्या देश के सभी किसान, ज्यादातर किसान इसके साथ हैं? कई लोकल चुनावों के नतीजों से फैसले पर मुहर लग गई है, यानी जहां पर बीजेपी की जीत हुई है वो ये दर्शाता है, स्थानीय स्तर पर जीत हुई है चाहे वो राजस्थान में या बाकी जगहों में, कि ये जो लोग हैं वो इस कानून के साथ हैं। कुछ दल अपनी पुरानी बातों से ही अब मुकर गए हैं, ये आरोप विपक्ष पर, कांग्रेस पार्टी पर खास तौर पर। किसानों के बहाने अपनी खोई जमीन तलाश रहे हैं विपक्षी दल और इस वजह से इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। लेकिन जो भी बात होगी वो तर्कों और तथ्यों पर ही होगी, यानी बातचीत तो होगी लेकिन तर्कों और तथ्यों पर बातचीत होगी, तर्क और तथ्य से इतर नहीं। लेकिन जो भी बात होगी वो तर्कों और तथ्यों पर होगी। तो क्या तर्कों और तथ्यों पर बातचीत हो रही है, या ये जो बातचीत हो रही है वो तर्क और तथ्य से अलग है और राजनीति ज्यादा है? लेकिन जो बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही उसमें क्या बड़ी बात निकल कर सामने है? प्रधानमंत्री ने अरुणाचल के अदरक उत्पादक किसान से पूछा कि क्या व्यापारी आपकी जमीन भी ले गए? किसान ने केंद्र की योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में बताया। किसान ने कहा कि हमें अपनी फसल की उचित कीमत मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीन छिन जाने की अफवाह फैलाई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो उन सवालों के बारे में भी बात हुई आज जब प्रधानमंत्री ने संवाद किया, जो सवाल उठाए जा रहे हैं किसान आंदोलन के दौरान। सुनिए क्या बातचीत की प्रधानमंत्री ने। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवर्तक फूड कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका प्रोसेसिंग फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं मास्टर शिवराज। अब आपकी प्रतिक्रिया, ये बातचीत की प्रधानमंत्री ने और कहा कि बाकी जगहों पर लागू है, वहां किसान के लिए बेहतर हुए हैं हालात। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं, आज मैंने जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनी और किसानों की टेलीफोन पे बात सुनी, तो वही तो मैंने कहा कि देश के किसान की 20 गुनी आय कर दी है इन्होंने 6-7 साल में। ये 2 गुनी की कहते रहे, हमें तो 20 गुनी लग रही है, क्योंकि एक भी किसान ऐसा नहीं आया फोन पे कि जिसने ये कहा होगा मुझे मक्का का भाव नहीं मिला, मेरा धान लूट लिया गया, मेरा बाजरा लूट लिया गया, मेरी कपास दलहन लूट ली गई, मुझे मेरा माल MSP पे नहीं खरीदा गया। क्योंकि सारे किसान जो भी आए वो DM और अधिकारी और मंत्रियों के द्वारा तोता की तरह रटे रटाए आए और रटे रटाए उन्होंने बोला। प्रधानमंत्री तो खुद रटे रटाए, खुद जुमलेबाज है, ये सब स्टेज था आपके मुताबिक चलेगा प्रधानमंत्री। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।